हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटेड एजुकेशन, जहां पर हम आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलरली। रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियोस आ रही हैं और आती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियोस आएंगी। हम यहां पर 9th, 10th, 11th, 12th सभी का सिलेबस जो है वो कम्प्लीट सिलेबस, कम्प्लीट पैकेज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे इस चैनल पर। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। आप जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने वो प्रेस नहीं किया तो आपको जो नोटिफिकेशन है, ज़रूरी नोटिफिकेशन, जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करते हैं तब आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कब वीडियो अपलोड की, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके साथ तो प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जल्दी से। दूसरी बात, हम जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमारे से डायरेक्ट मैसेज कर कोई भी क्वेश्चन, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेरी आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो, सभी सब्जेक्ट्स की क्वारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारे वीडियो से रिलेटेड या बाहर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। एजुकेटेड एजुकेशन के नाम से हमारा ग्रुप है, ये इसका लिंक है, ठीक है। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप इस लिंक को अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए, और ब्राउज़र में टाइप करते ही आपको, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तब इसको ब्राउज़र में डालिए, इसको सर्च कीजिए, डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगा, मतलब पेज विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने कि आपको ज्वाइन करना है हमारा चैनल एजुकेटेड एजुकेशन, ठीक है, वहाँ से। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसको आप प्रेस करना, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है एजुकेटेड एजुकेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड जो थर्ड थिंग है कि हम इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारी रेगुलर पोस्ट आती रहती हैं, वहाँ पर हम क्विज भी करते हैं, कोई भी एक पोस्ट डाल दिया उसमें कोई क्वेश्चन था तो काफ़ी अच्छा होता है उसको प्रिपरेशन, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमने डाला उसका आप उधर से अगर जवाब देते हैं तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन बनता है। तो उसके लिए भी हमने इंस्टाग्राम पे भी एक्टिवनेस को अपनी बनाया है, वहाँ पर भी हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, रेगुलर बेसिस पर हम पोस्ट डालते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी ट्रिक की। अब ट्रिक इसमें क्या होगी, ट्रिक इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दी है या कोई भी रैंडम आपको कोई भी फिगर दी हुई है तो आप उसका जो ईएमएफ डेवलप होगा उसमें, अगर वो उसके परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, अगर इस तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, कोई भी इरेगुलर शेप्ड फिगर है, तो उसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा अगर वो किसी वेलोसिटी वी से ट्रेवल करे इन दैट रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो ईएमएफ है वो निकालने का आपके पास फॉर्मूला ये है कि आप जो है दोनों एंड्स को कनेक्ट करिए और इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिए उन दोनों एंड्स के बीच की, तो आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कुछ फिगर इस टाइप से आ जाए, जैसे कि ये है इसमें भी, या फिर कोई और इरेगुलर शेप्ड फिगर आ जाए जिसमें आपको एरिया निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, जैसे कि ये हो इस तरीके का, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का फिगर हो या कोई भी अदर फिगर हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको जो है दो तीन तरीके आने चाहिए उसके याद, मतलब उसका जो ईएमएफ है वो निकालने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो उसी में से एक तरीका आज मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो देखिए तरीका क्या है वो, अगर मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से रखी हुई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है क्रॉस से। अब देखिए अगर इस रिंग को मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ वी, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की वी, देन अगर
ये वी वेलोसिटी से ट्रेवल करे, तो मुझे ये मतलब ये फाइंड करना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके दोनों एंड्स में, इस एंड में और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। अब ये देख लीजिए, इसने एरिया जो है कितना कवर कर लिया, या इसके एरिया में कितना चेंज आ गया अब तक, अगर इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, उस डिस्टेंस के बीच में इसने कितना एरिया कवर किया होगा, उसी से आपको ईएमएफ पता चल जाएगा। जैसे कि इस वाले केस में देखिए, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये इस पॉइंट से ये यहाँ पर थी, ये यहाँ से जाकर ये यहाँ पर आ गई, मतलब थोड़ा सा ट्रेवल करेगा डी टी टाइम में, हमने एक स्मॉल इंटरवल डिफाइन किया डी टी, उस इंटरवल में ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो कितना होगा वी डी टी। तो इसने जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये आगे की तरफ आ गई, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन इन दिस डायरेक्शन, वी डी टी। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पर कर लिया है वी डी टी डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको क्या निकालना है कि इसने कितना एरिया चेंज कर लिया अपना, अपना इसने कितना एरिया चेंज कर लिया है। तो एरिया कितना होगा जो चेंज किया होगा इसने, वो ये है, ये वाला एरिया है ना, क्योंकि ये है, ये जो है रिंग वो यहां से यहां पर आ गई, वो यहां से यहां पर आ गई, तो उसने जो चेंज किया एरिया वो था ये वाला, ये वाला जो मैंने अभी शेड किया था, ये वाला इसने एरिया चेंज जो है चेंज किया, ये इतना ट्रेवल इसने एरिया कर लिया। ठीक है, अब मुझे अगर ये एरिया फाइंड करना है तो बड़ा डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सिंपल वे में भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसने यहाँ पर VDT कवर कर लिया डिस्टेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक का ये कितना था लेंथ, 2R। ठीक है, तो जितना चेंज इसका इस एरिया का आया, उतना ही चेंज इसका इधर बढ़ गया, ये जो था, क्योंकि पहले ये देखिए आप, पहले वाली फिगर में वो कितना एरिया कवर कर रही थी, इतना, ये कितना एरिया उसने घेर रखा था वो था ये वाला, कितना एरिया कवर कर रखा था वो ये वाला था एरिया, देन उसने बाद में कितना कवर कर लिया, ये वाला। तो जिसका एड ऑन हुआ है एरिया जो उसने कवर किया है वो ये था ना, ये रेक्टेंगुलर शेप। अब इस रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर पार्ट का अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे इसका ईएमएफ नहीं पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, फाई को, फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डी ए, बी डी ए लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको बी डी ए लिखता हूं तो डी ए के लिए मैं क्या कर सकता हूं, डी ए के लिए ये वाला जो एरिया आया मेरा, इसको वहां पर डाल सकता हूं, डी ए की जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या आएगा, एक सेकेंड इसको जरा मिटा लेते हैं, पूरा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए बी डी ए आया था मेरा, ये एरिया जो था वो बी डी ए था। ठीक है, अब डी ए को रिप्लेस करना था मुझे एरिया से, उसके जो रेक्टेंगल का आया था मेरे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी टी, एंड देन मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ इसके साथ 2R की, क्योंकि आप ये देखिए यहां पर जो है ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा, वी डी टी तो ये वाली लेंथ है एंड 2R ये वाली लेंथ है, ये जो है पूरी की पूरी। अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और रेक्टेंगल का ही एरिया मुझे फाइंड करना था, तो ये हो गया वी डी टी इंटू 2R। ठीक है, अब क्योंकि ये तो आया आपके पास डी फाई की वैल्यू, ठीक है, ये तो है आपके पास डी फाई की वैल्यू, डेल्टा ऑफ फाई की वैल्यू है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है,
आपको फाइंड आउट करना है डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डी फाइव बाई डी टी फाइंड कीजिए, वो किससे इक्वल होगा, इस वाले जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा था उससे डी टी कट जाएगा बस सिर्फ, तो क्या बचेगा बी वी डी टी था यहां पे, तो वो डी टी कट जाएगा और क्या बचेगा यहां पर वी के साथ सिर्फ टू आर, और यही एरिया है किसका, यही जो ई एम एफ है, यही ई एम एफ इंड्यूस होगा इन दिस सेमी सर्कुलर वायर और सेमी सर्कुलर रिंग, इसमें इतना ही जो है ई एम एफ डेवलप होगा मेरा, क्योंकि आप इसको स्ट्रेट वायर जो मेथड है ना कि इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिए आप उसको, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बी एल वी फॉर्मूला लगाकर, आप जो है उसमें ई एम एफ इंड्यूस्ड कितना हुआ वो निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 2R है लेंथ, जो है इफेक्टिव लेंथ 2R है, और उस 2R को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, L की जगह 2R रख देंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन यही मिलेगा बी एल एंड देन वी ए, ठीक है। तो बी एल वी यही मिल गया ना पूरा पार्ट, तो इससे भी यही आता है और निकल कर दो ई एम एफ की जो वैल्यू है, और इससे भी। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप रियलिटी में कर क्या रहे हैं, आपने रियलिटी में ये इफेक्टिव लेंथ क्यों ली, और अगर आप इफेक्टिव लेंथ ना ली, कहीं पर आपको डिफिकल्टी है इफेक्टिव लेंथ निकालने में, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पर ये निकाल लीजिए कि उसने कितना जो एरिया है वो ट्रेवल कर लिया है, कितना एक्स्ट्रा एरिया उसने ट्रेवल कर लिया है वो आप निकाल लीजिए, इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं, ये इफेक्टिव एरिया ट्रेवल निकाल सकते हैं आप, तो उसकी मल्टीप्लाई आप अगर किसके साथ कर देंगे बी के साथ कर देंगे, तो आपको डी फाइव की वैल्यू मिल जाएगी, और डी टी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ उस फिगर के अंदर वो मिल जाएगा। तो ये रहा एक सिंपल सा मेथड, जैसी भी आपकी इस मेथड के बारे में राय है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम पर भी हम एक्टिव हैं, टेलीग्राम पर हम ये जो इस अगर आपको इसी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स से अगर आपको चाहिए हमारे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, हम पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर रेगुलरली डालते रहते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी हम एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर हम रेगुलरली जो है क्विज करते रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।